जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सीएसएफ एचसीएम 2019 की जो 4 तारीख को टाइपिंग हुई है उसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाइपिंग कैसी रही और कैसा मैटर आया है और क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग की जो इंट्री हुई है सुबह 7:30 बजे, जो फर्स्ट बैच वालों की है वो सुबह 7:30 बजे एंट्री हुई है। वहाँ पे आप लोग एडमिट कार्ड, आईडी दिखाएंगे। आईडी दिखाने के बाद आप लोग को जो है अंदर बुलाया जाएगा। बैच के हिसाब से जैसे 12 बैच बनाए गए थे, हर बैच में आप लोग के कितने बच्चे थे, हर बच्चे बैच में जो बच्चे थे वो 30 30 बच्चों को बुलाया गया था। किसी मतलब हर बैच में 30 बच्चे थे, उसमें से किसी में 15 आ रहे थे, किसी में 20 आ रहे थे, किसी में 7 बैच में ही आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं। देखिए, पर डे बच्चे कितने बुलाए गए हैं, लगभग 12 बैच हैं, तो लगभग 30 बच्चे के हिसाब से 360 बच्चे पर डे बुलाए जा रहे हैं। यानी आप लोग की जो टाइपिंग होगी वो 4 तारीख से 9 तारीख तक चलेगी। ठीक है, टाइपिंग होगी। और टाइपिंग में जैसे ही आप इंट्री करेंगे एक फॉर्म आप लोग को फिल कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग ने एग्ज़ाम में लिखा एक फॉर्म फिल कराया गया था, पीएसटी के समय एक फॉर्म फिल था, वैसे ही आप लोग का टाइपिंग के समय एक फॉर्म फिल हो रहा है। तो उसमें आप लोग की जो है डिटेल भरी जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कराने के बाद जो है आप लोग को बैठाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग को जो है टाइपिंग हॉल में आपको बैठाला जाएगा। जो बैठालेंगे फिर वहाँ पे मैटर क्या होगा, मैटर कैसा रहेगा और क्या क्या चीज़ें, मैं पूरी बात बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, जो भी मैंने एनालिसिस किया है उसमें आप लोग को जो भी बताया है। ठीक है, जैसे टाइपिंग में जैसे आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठा लेंगे, ठीक है, फिर बैच के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो एक हॉल होगा, हॉल में सिस्टम्स लगे होंगे और सिस्टम के पास मेज लगी होंगी, मेज से थोड़ा दूरी पे टेबल वगैरह रखे रहते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग को मेज़ के बिल्कुल अपोजिट बैठाना जाएगा, तुरंत आप लोग को वहाँ पे नहीं बैठाना जाएगा। और हर मेज पे, हर टेबल पे आप लोग का जो मैटर होगा प्रिंट आउट फॉर्म में वो वहाँ पे रखा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे रखा रहेगा, आप लोग को दूर बैठाना जाएगा। जैसे ही बोलेंगे आप लोग टाइम होगा, आप लोग को वहाँ पे कहेंगे चेयर आगे बढ़ा दीजिए, तो आप लोग चेयर बढ़ा के टेबल पे पहुँचेंगे। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे बैठेंगे तो आप लोग का वहाँ पे जो भी है आप ऑन करेंगे सिस्टम वगैरह, फिर वहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि अपना जो है जो भी मैटर है वो आप लोग देख लीजिए और आपको कीबोर्ड चेक कर लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड वगैरह आप लोग देखेंगे, आप लोग का कीबोर्ड बढ़िया HP का है। और आप लोग का देखिए कीबोर्ड जो आप लोग को HP और आप लोग के जो जेब्रोनिक वगैरह के नए बिल्कुल कीबोर्ड लगे रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी आप लोग अपना जहाँ भी सेंटर है आप लोग वहाँ पे जाके अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लीजिए। और टाइपिंग का जो मैटर होगा ऑफलाइन होगा, MS वर्ड पे होगा। ठीक है, MS वर्ड पे जो भी आप लोग का मैटर रहेगा उसको आप लोग को टाइप करना है। तो टाइप हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग का है, आप लोग का जो भी आप लोगों ने फॉर्म के टाइम भरा था वही आप लोग का ही टाइपिंग रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, मैटर कैसा रहा है, मैटर आप लोग का जो आ रहा है मैटर बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, आसान मैटर है, ज़्यादा टफ नहीं है। यानी COVID-19 पे पूछा गया था, कोविड के ऊपर मैटर। फिर भी मैं आप लोग को एक राय देना चाहता हूँ, जिस दिन भी आप लोग का जैसे मान चलिए आप लोग का 7 तो पढ़ा, ठीक है, 8 को पढ़ा, तो क्या करिए आप लोग जो भी उस दिन, मतलब वो डे कौन सा था, जो 7 तारीख का महीना है इसमें कौन सा डे पड़ता है, जैसे कोई स्पेशल डे पड़ता हो, कोई भी जयंती पड़ती हो, उस हिंदी में है या इंग्लिश में भी है, तो आप लोग उस मैटर पे थोड़ा सा टाइप करके जाएं। क्योंकि मैं ये आप लोग को अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे दुग्ध दिवस था उस पर मैटर आ गया था। तो आप लोग ऐसे सेम करें, मैटर तैयार करके जाएं। ठीक है, और आप लोग को गलतियाँ कितनी माफ़ है, देखिए गलतियाँ 5% माफ़ होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग को 400 या 500 का पैरा मिला, तो उसका 5% आप निकालेंगे, उतनी गलती आप लोग की माफ़ रहेंगी। जैसे 500 का 5% निकालेंगे 25, यानी 25 आप लोग का जो है गलती हम माफ़ रहेंगे। फिर उसके बाद आप जो भी गलती करेंगे उसके हिसाब से कटेगा। यानी आप लोग 5 गलती या 10 गलती करेंगे तो उस पर आप लोग का 1 वर्ड ऐसे कट जाता है। ठीक है, तो ये रही, तो ज़्यादा मतलब गलतियाँ नहीं करनी है, एक गलती में 5 से 7 वर्ड कटते हैं। ठीक है, ये मेरी जो जानकारी मिली है। ठीक है, तो ये टाइपिंग करना है आप लोग को, और हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश में आप लोग के 1750 स्ट्रोक रहेंगे, हिंदी में आप लोग के 15 स्ट्रोक रहेंगे, जो वर्ड में स्ट्रोक ही काउंट होंगे। ठीक है, और स्ट्रोक जो भी होंगे वो उसी से आप लोग को वो निकाला जाएगा, जो आप लोग स्पेस भी दबाएंगे वो भी स्ट्रोक में काम जो है काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वही रहेगी, स्पेस काउंट होगा कि नहीं होगा, स्पेस बिल्कुल काउंट होगा। और 1750 आप लोग को इंग्लिश में स्ट्रोक मारने हैं और हिंदी में जो आप लोग के 1500 स्ट्रोक मारने हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग की स्पीड निकाली जाएगी। ठीक है, और वहीं से आप लोग की गलतियाँ भी निकाली जाएंगी। कीबोर्ड के बाद
जो गलती आप लोग को कटेगी, ठीक है, जो मैंने बता दी आप लोग की, जो आप लोग गलती करेंगे उसके हिसाब से आपकी गलती कटेंगी, और जो भी होगा एमएस वर्ड पे आप लोग की टाइपिंग होगी, ठीक है। जो वो टाइपिंग करेंगे उस वही टाइपिंग का जो मैटर है वो इन लोग प्रिंट आउट फॉर्म में निकलवा के वहीं मैटर पे ही आप लोग के साइन वगैरह हो करवा लेंगे, और फिर वो मैटर जो है जमा हो जाएगा, फिर उसी मैटर को चेक किया जाएगा कि आप लोग की कितनी गलतियाँ हैं, ठीक है। और बाकी मैंने चीज़ें जो आप लोग को बताना था बता दी इसमें आप लोग को, लेकिन गलतियाँ क्या हो रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं क्योंकि वो लोग हड़बड़ा जा रहे हैं या किसी की स्पीड कम है। तो कुछ जैसे क्या हुआ, किसी बैच में 3-4 बच्चे पास हो रहे हैं, जैसे मान चलिए 20 लोगों को बुलाया, 20 बच्चे वहाँ प्रेजेंट हुए, तो वहाँ से कभी 8 बच्चे पास हो रहे हैं, कभी 30 बच्चों में 9 बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसे बच्चे मतलब ज़्यादा बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं, और संख्या में कुछ कम बच्चे भी पहुँच रहे हैं। तो आप लोग ये भी डाउट होगा कि जैसे मुझे थोड़ा सा लेट हो जा रहा है जाने में, तो आप लोग को अगले बैच में बुला लिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग को बुला लिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्पोरेट बहुत मतलब कॉर्पोरेट कर रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग अपने टाइम पे जाइए, बैच में ही अपने समय से ही जाइए, तो उस हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग कर लेंगे। हड़बड़ाइए नहीं, किसी से ज़्यादा बात भी ना करिए, और थोड़ा सा अपना जो है हाथ वगैरह एकदम बिल्कुल साफ करके जबकि ऊपर बैठे तो हाथ में कोई तेल वगैरह ना लगा हो, पर नॉर्मल सूखा सा हाथ हो, आप लोग उसको साफ करके क्लीन करके वहाँ पर बैठे, और अदरवाइज़ इधर उधर कहीं कुछ लिखे ना, ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने बताया था अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी लेके जाना है वो लिखा होगा, आप लोग वो लेके जाइए। और इसकी जो है वैकेंसी भी हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि 2022 वालों की वैकेंसी बढ़ गई है, ठीक है। तो आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये इसके जो है रिज़ल्ट भी नवंबर महीने में ही जारी कर दिए जाएंगे, और दिसंबर में आप लोग का फाइनल प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग के मेडिकल करा लिए जाएंगे, देन उसके बाद आप लोग को जो है ट्रेनिंग वगैरह पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रोसेस आप लोग का 2 महीने में होना है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग का बहुत जल्दी खुशखबरी भी मान लीजिए कि आप लोग का बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। जिन लोगों की टाइपिंग हो चुकी है, जिन लोगों की होनी है, बहुत अच्छे से टाइपिंग करने जाएं, यही आप लोग के लिए दुआ है कि आप लोग अपना टाइपिंग अच्छे से करें और टाइपिंग में गलतियां ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्पीड, जैसे आप लोग का टाइम दिया जाएगा तो जैसे ही स्टॉप बोला जाएगा वहाँ पे टाइमर लगाएंगे, उस हिसाब से आप लोग की टाइपिंग बोलेंगे स्टार्ट, तो स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही टाइमर ऑफ मतलब टाइम ऑफ होगा बोल देंगे स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। तो स्टॉप जैसे ही बोलेंगे आप लोग को तुरंत, अगर आप लोग का 1-2 वर्ड है तो टाइप कर लीजिए, क्योंकि वो सीसीटीवी वगैरह लग रहा है, लेकिन अगर 1-2 वर्ड आप लोग काउंट करेंगे, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे होगा नहीं कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन इस पर क्या रहेगा, आप लोग को 1-2 वर्ड अगर बचे हैं तो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक जब तक आपके पास आएंगे, जब बोलेंगे आप लोग गलतियाँ करिए, हो सकता है समय पर ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे कि टाइपिंग का मैटर कैसे है, टाइपिंग का मैटर भी नॉर्मल रहा है, आप लोग जो टाइपिंग कर रहे हैं और जो मैंने बताया कि कैसा आप लोग को मैटर करना है, ऐसा टाइपिंग करके जाएँ तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी जानकारी मिल गई होगी, और भी कोई जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और अभी जानकारी मुझे मिलेगी नेक्स्ट शिफ्ट की तो मैं आप लोग को बताऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएँ, वंदे मातरम।